नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं अपना अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस जसिंगपुर। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का विभाजन, कांग्रेस पार्टी का किस प्रकार से विभाजन होता है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारी हेडिंग, हमारा टॉपिक का नाम है कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस पार्टी का विभाजन स्वतंत्रता से पूर्व भी हुआ और स्वतंत्रता के बाद भी हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का 1907 में जो सूत्र में विभाजन हुआ था वह विभाजन था, लेकिन आज हम जिस कांग्रेस की बात करने जा रहे हैं यह कांग्रेस 1947 के बाद की कांग्रेस है, नेहरू जी के बाद की कांग्रेस है। नेहरू जी के बाद की जो कांग्रेस है वह किस प्रकार से बिखरने लग चुकी थी, किस प्रकार से बिखरी, किस प्रकार से इसका विभाजन हुआ, इन सभी मुद्दों पर आज के वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो आप पूरा देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया, आपके लिए शिक्षा के ज्ञान से उचित है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो कांग्रेस का विभाजन। सबसे पहले बात करें तो चौथा आम चुनाव 1967 के अंदर संपन्न होता है। 1967 के अंदर चौथा आम चुनाव संपन्न होता है। उस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का क्या जनादेश रहता है, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, चौथे आम चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। कांग्रेस पार्टी के पास अलग बहुमत होता है, इस कारण से वह अपनी सरकार बचाने में कामयाब होती है। कांग्रेस को उस टाइम बहुमत जाकर समर्थन देने वालों में डीएमके एम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होती है। अगर ये दो पार्टियां अपना समर्थन किसी कारण से ना देती तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार गिर जाती। कहने का अर्थ क्या हुआ, 1967 के आम चुनाव के अंदर जो जनादेश था वह कांग्रेस का घट चुका था, कांग्रेस के जनादेश के अंदर भारी गिरावट आ चुकी थी। इसके बारे में देखते हैं तो स्पष्ट है कांग्रेस को बहुमत तो मिला, यानी कि कांग्रेस की सरकार तो बनी, कारण सरकार बनने का कारण दो पार्टी का समर्थन, एक डीएमके दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि इनका बहुमत तो होगा कांग्रेस का, लेकिन सीटों की संख्या के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का खुद का जो जनाधार था, जो खुद की इनकी जमीन थी वह कम हो चुकी थी, वह खत्म हो चुकी थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सीटों के अंदर भारी गिरावट आ चुकी थी, कांग्रेस पार्टी माइनस के अंदर जा रही थी। आगे हम इसी के अंदर देखें कारण क्या है, यानी कि कांग्रेस पार्टी बहुमत पूर्ण सिद्ध नहीं कर पाई, इसका कारण क्या है, इसका कारण आता है दल बदल, इसका कारण क्या है, दल बदल। तो 1967 के आम चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी राज्य विधानसभाओं के अंदर भी पिछड़ने लगी थी, यहां तक कि 7 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत ही नहीं मिला, यानी कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। कितने राज्यों के अंदर, 7 राज्यों के अंदर, यानी कांग्रेस का जो जनाधार है खत्म होना शुरू हो चुका था। इसके साथ साथ एक नई बीमारी, यानी कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर 1967 के चुनाव के बाद में एक नई बीमारी आई, या नई बीमारी है दल बदल, यानी कि एक पार्टी को छोड़कर के अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधि एक पार्टी को छोड़कर के दूसरे पार्टी में जाने लग गए। इससे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की हत्या होने लगी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की हत्या का जो प्रथम प्रयास या प्रथम कारण है वह 1967 का आम चुनाव है, जिस टाइम चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी को छोड़कर के दूसरी पार्टी में जाने लगे। तो ऐसा 2 राज्यों के अंदर हुआ, यानी कि 2 राज्यों के अंदर दल बदल के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, अन्य 8 राज्यों के अंदर कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनी थी। 7 राज्यों के अंदर बहुमत ही नहीं मिला, 2 राज्यों के अंदर दल बदल के कारण सरकार गिर गई, 8 बचे हुए राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, वो भी गठबंधन के सहारे बना दी। आगे हम बात करें दल बदल है क्या, तो इसका मैंने अभी बताया, यानी कि 1967 के चुनाव से दल बदल शुरू हुआ। इसके अंदर क्या है, आयाराम और गयाराम की नीति अपनाई गई। आयाराम का मतलब क्या है, आज मैं अपनी पार्टी के अंदर हूं, किसी एक पार्टी के अंदर हूं, लेकिन जैसे ही मेरे को लगता है दूसरी पार्टी मेरे नीति शॉर्ट वगैरह पूर्ति करती है तो मैं उस पार्टी के अंदर चला गया। अब वापस मेरे को जिस मूल में पार्टी का नाम, उस मूल पार्टी में तो बुला लिया, आप वापस अपनी पार्टी या हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपको एक बेहतरीन पद देंगे, जब आपको उच्च मंत्रालय देंगे तो मैं वापस उस पार्टी, यानी एक या दो दिन के अंदर 3-4 पार्टियां बदलना ही आयाराम गयाराम कहलाता है। हरियाणा से स्टार्ट हुआ था आयाराम गयाराम का
ये दल बदल आयाम 11 की है। इसके अगर हम बात करें तो 1967 के आम चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अपनी सीटें कोई अपनी प्रतिष्ठा कोई, इसके बाद धीरे धीरे काम चलता रहा और धीरे धीरे चलता चलता यह काम कांग्रेस के विभाजन में आ गया। यानी कि 1967 के अंदर कांग्रेस ने अपना जनाधार खोना स्टार्ट कर दिया था, उसका जो असर है वो साफ रूप से 1969 के अंदर दिखाई दिया। 1967 के चुनावों का जो असर है वो 1969 में दिखाई दिया जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। हमारे सामने क्वेश्चन आता है, कांग्रेस पार्टी का विभाजन जब हुआ तो 1969 में हुआ, स्टार्टिंग इसकी 1967 से हो चुकी चुनाव से, 1969 में हुआ। अब 1969 के अंदर कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस कारण से हुआ, इस कारणों की प्रमुख चर्चा करते हैं। तो 1969 में कांग्रेस पार्टी विभाजन के कारण पहला जो कारण है दक्षिणपंथी वामपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी की विचारधारा अलग वामपंथी की विचारधारा अलग, इन दोनों विचारधारा को लेकर के कामराज जो पुराने परंपरागत कांग्रेसी थे इनके साथ श्रीमती गांधी की कलह होगी, विवाद हो गया, यह कारण भी कांग्रेस पार्टी के विभाजन का प्रमुख कारण बनता है। दूसरा है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर के कारण। अब क्या हुआ 1969 के अंदर विवाद होता है, इससे पहले क्या हुआ राष्ट्रपति पद, यानी के जाकिर हुसैन जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे इनके निधन होने के बाद जो राष्ट्रपति का जो पद खाली हुआ था उस पद के लिए द्वारा निर्वाचन चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने बिना गांधी से यानी इंदिरा गांधी से पूछे बिना ही लोकसभा के अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय कर दिया, इंदिरा गांधी से पूछा तक नहीं गया। इस बात को लेकर के इंदिरा गांधी नाराज हुई और इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को अंदरूनी समर्थन देते हुए राष्ट्रपति पद का नामांकन या भारण करवा दिया। इस बात को लेकर भी कांग्रेस के अंदर कलह होगी। तीसरा कारण है मुरारजी, मुरारजी देसाई, जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था मुरारजी देसाई 1966 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे लेकिन के कामराज सिंडिकेट के कारण इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इस बात से मुरारजी देसाई नाराज हुए और उसके बाद मुरारजी देसाई से गांधी ने इंदिरा गांधी ने वित्त विभाग की वापस ले लिया तो मुरारजी देसाई भी नाराज हो गए और इन्होंने भी यानी कि कांग्रेस पार्टी के विभाजन के अंदर अपना योगदान दिया, एक प्रकार का कहना है श्रीमती गांधी के खिलाफ भी खड़े हो गए। इसके साथ साथ एक और बात लेकर के आई जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है युवा तर्क एम सिंडिकेट। अब क्या है जो कांग्रेस का विभाजन 1969 हुआ इसका एक कारण और हमारे सामने निकल गया वो है युवा तर्क और सिंडिकेट। युवा तर्क क्या है तो श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम युवा थी, इनकी जो पार्टी थी इनके संगठन यानी जो इंदिरा गांधी के संपर्क जो संपर्क के अंदर नेता लोग थे जनप्रतिनिधि थे या आम लोग थे वे युवा सोच वाले युवा तर्क वाले थे यानी कि झटपट काम करने वाले जोशीले थे। लेकिन दूसरी ओर सिंडिकेट थे जिनके अंदर के कामराज और कांग्रेस के परंपरागत लीडर थे वो चाहते थे इंदिरा गांधी और जो नई युवा पीढ़ी आ रही है वे हमारे से पूछकर कार्य करे और इंदिरा गांधी और युवा पीढ़ी चाहती थी हम कोई भी कार्य करेंगे उन्हें पूछेंगे नहीं के कामराज से नहीं पूछेंगे हम अपने तरीके से करेंगे। तो ये भी एक तरह का कारण बनता है। तो ये प्रमुख रूप से चार कारण है दक्षिणपंथी वामपंथी विचारधारा राष्ट्रपति पद को लेकर के सिंडिकेट और इंदिरा गांधी में विवाद मुरारजी विवाद लेना और युवा तर्क और सिंडिकेट विवाद। तो ये चार कारण प्रमुख बने कांग्रेस पार्टी के विभाजन के जो कि आज की हमारी हेडिंग के टॉपिक है। इससे आगे हम अगर चर्चा करें तो इंदिरा गांधी बनाओ सिंडिकेट, जैसे मैंने अभी कहा है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर के सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के अंदर जो विवाद हुआ, सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार में नामांकन करवाया, इंदिरा गांधी ने अंदरूनी समर्थन देते हुए तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को यानी के नामांकन करवाया। तो इस बात को लेकर के इंदिरा गांधी और सिंडिकेट आपस में एक दूसरे के सामने आ गए। अब सिंडिकेट के प्रमुख नेता थे वो थे के कामराज जो कि दक्षिण के मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के परंपरागत लीडर थे एक प्रकार से। अब मैं इंदिरा गांधी बनाओ सिंडिकेट, आगे हम देखते हैं सिंडिकेट है क्या, काफी बार मैंने नाम बोले सिंडिकेट 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 है क्या, तो इसके अंदर मैं बता दूं सिंडिकेट क्या है। तो
कांग्रेस के भीतर ही एक प्रभावशाली समूह था जो प्राचीन या पुराने नेता थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइप के नेता थे, उन्हें सिंडिकेट कहा गया। तो इसको लिखा गया कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का जो समूह है वह क्या कहलाता है, वह सिंडिकेट कहलाता था 1969 तक के टाइम में। आगे बात करें सिंडिकेट का, पार्टी का संगठन पर परंपरागत नियंत्रण था। सिंडिकेट यानी के कामराज के जो जितने समर्थक साथी थे इनका कांग्रेस पार्टी पर परंपरागत नियंत्रण था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी की निधन हुआ उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना, श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, तो इन दोनों को प्रधानमंत्री बनाने के अंदर अगर सबसे बड़ा हाथ या योगदान था तो इन सिंडिकेट का ही था। तो ये सिंडिकेट चाहते थे भी इंदिरा गांधी हमारे नियंत्रण में रहकर काम करे, जो कि इंदिरा गांधी को पसंद नहीं था। तो ये था सिंडिकेट। इसके बाद अगर हम बात करें 1967 के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाई, इसके बाद में 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, तो किस प्रकार से इंदिरा गांधी के सामने चुनौतियां दिन बिदर बढ़ती जा रही थी हिमालय के तहत। तो अब देखते हैं इंदिरा गांधी के सामने प्रमुख दो चुनौतियां कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले है सिंडिकेट के प्रभाव से दैनिक स्वतंत्रता हासिल करनी, यानी जो कांग्रेस के प्राचीन पुराने लीडर थे उनसे स्वतंत्रता हासिल करनी और पार्टी के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करना इंदिरा गांधी की पहली चुनौती थी, जिसका सामना उन्होंने कुशलतापूर्वक किया और अपना दमखम दिखाया। दूसरी चुनौती थी 1967 के आम चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन या फिर अपना जनाधार खो चुकी थी, जनता के दिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो पहले लहर थी वो अब नहीं थी। तो उस लहर को नेहरू जी के टाइम की जो कांग्रेस पार्टी थी उस कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा करना इंदिरा गांधी के सामने हिमालय से कोई छोटा काम नहीं था। तो इंदिरा गांधी ने इन दोनों चुनौतियों को बखूबी यानी के सामना किया। इन दोनों को सामना करने के लिए या फिर कांग्रेस पार्टी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, तो उस टाइम इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया। 10 सूत्री घोषणा पत्र क्या है, 10 सूत्री यानी 10 ऐसी घोषणाएं उन्होंने की जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर काया प्रकट करके रख दिया, हिंदुस्तान के अंदर एक नया इतिहास रचा। वो कौन से 10 सूत्री घोषणा पत्र है जो 1967 के अंदर लागू किया गया था, वह क्या है। तो पहला है बैंकों का सामाजिक निजीकरण करना, सामाजिक यानी सारा समाज यानी भारतवर्ष के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बैंक पर नियंत्रण है, बैंक के अंदर योगदान है, यानी कि सार्वजनिक बैंक हो गया, बैंक का निजीकरण नहीं, बैंक का सामाजिकरण सार्वजनिकरण करना, यानी सभी के लिए बैंक खोल देना। ये इंदिरा गांधी ने उस टाइम किया था। लगभग 14 राष्ट्रीय बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था, राष्ट्रीय सार्वजनिक बनाया था। इसका आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, आम बीमा आम व्यक्ति के लिए बीमा कर दिया। इसके साथ साथ शहरी संपदा आय का परिसीमन होता है, उसकी देख रेख करना, एक प्रकार के उसको लिमिटेड कर देना परिसीमन। तो यानी कि कौन सा व्यक्ति कितनी आय रखेगा शहर के अंदर, इसका जो परिसीमन है वो कांग्रेस के 10 सूत्री घोषणा पत्र के अंदर था। इसके साथ अगर बात करें खाद्यान्न का सरकारी वितरण, तो देश के अंदर सर्वप्रथम पहली बार गरीब और वंचित वर्ग था, जिसे आजकल बीपीएल के नाम से आप पुकारते हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए गेहूं की निःशुल्क व्यवस्था का अगर कोई घोषणा पत्र में पहली बार जिक्र किया गया था तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, यानी जो बीपीएल के कारण मिली थी इसकी शुरुआत भी इंदिरा गांधी के टाइम में की गई थी। इसका मतलब है भूमि सुधार, भूमि के अंदर सुधार किया गया। भूमि के अंदर सुधार का मतलब क्या है कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास 100 से ज्यादा मरबे या एकड़ जमीन है, उसकी जमीन को लिमिटेड करना, देश के अंदर जो गरीब किसान है भूमिहीन किसान है उनको भूमि देना, जिन मजदूरों के पास भूमि है उनको भूमि देना, तो ये सारे काम। इसके साथ साथ एससी और एसटी वर्ग की जो जमीन है वह ओबीसी या जनरल का व्यक्ति नहीं खरीद सकता, ऐसे भूमि सुधार ऐसे प्रावधान भी इंदिरा गांधी के घोषणा पत्र के अंदर किए गए थे। इसके साथ साथ ग्रामीण गरीबों को आवास भूखंड देना, जो ग्रामीण गरीब थे जो गरीब गांव के अंदर रह रहे थे उन्हें निःशुल्क यानी कि गांव के अंदर पट्टे भूखंड दिया और उन्हें आवास बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे या फिर इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से पुकारा गया। तो ये सारे जो प्रयास है देश के अंदर प्रथम बार इंदिरा गांधी के घोषणा पत्र के अंदर किए गए थे, जिन्हें बाद में लागू किया गया और देश के अंदर एक ऐतिहासिक नए कदम उठाए गए थे। तो आज का जो हमारा वीडियो है कांग्रेस के विभाजन का था,
हमने स्टार्ट बात की थी, यानी कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 1967 के चुनाव के अंदर अपना जनाधार खोया था, उस जनाधार को वापस प्राप्त करने के लिए क्या इससे बीच का अगर बात करें इंदिरा गांधी किस प्रकार से चुनौती का सामना करते हुए नया घोषणा पत्र सूत्र हमारे सामने लेकर के आती है। यह घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के लिए एक अमृत साबित होता है और 1971 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।